तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग टाइम से टूट गए थे और हम लोग नहा धो के भी हो गए हैं रेडी जाने के लिए, टेंट अपना अटेंडेंस बनाने के लिए। पानी अभी तक नहीं आ रहा है बाथरूम में, छती पे नहाना पड़ा। खैर कोई नहीं। और यार एक और बात भाई, दुनिया में कुछ भी कर लेना, लेकिन धूप से आकर के तुरंत ठंडा पानी मत पीना यार, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम आके पी लिए और इतना मतलब तबीयत ख़राब टाइप का लग रहा है कि क्या ही बताएं। खैर कोई नहीं, अभी तो ठीक है, इसलिए सुबह उठ के जल्दी नहा लिए। चलिए अब चलते हैं टेंट, अटेंडेंस बनवाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर खाना खाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको नंदी चौक थोड़ा बहुत। सब कोई गया और अपने अटेंडेंस बना के आ भी गया, हम एक लास्ट में छूट गए। खैर कोई नहीं, चलिए चलते हैं। एक भी ऑटो नहीं, जब बालकनी से खड़ा होकर देखते हैं ना रोड तरफ, तो हज़ार को ऑटो पार होता है, लेकिन अभी जब ज़रूरत है तो एक भी ऑटो नहीं जा रहा। वाह भाई, बरसाती घर पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी? वो बाबा जी को पहले भी हम देखे हैं, मतलब जब ड्यूटी जाने के टाइम में। उनका डॉग बहुत प्यारा है, उनका बेस्ट फ्रेंड है, उसी से बात करते रहते हैं, खेलते रहते हैं उसके साथ। और खैर आगे हम लोग नंदी चौक, और ये पीछे देखिए पूरा सुन सपाटा, और ये भी देखिए सपाटा। और ये सब जो टेंट लगाया गया था सूचना और जनसंपर्क विभाग दुमका के द्वारा, वो सब भी अब हटाया जा रहा है, क्योंकि लगभग श्रावणी मेला अब ख़त्म हो गया। और श्रावणी मेला से याद है, आज शाम में 6 बजे महाआरती है यहाँ पे शिव गंगा में। तो अगर ड्यूटी से फ्री हुए हैं, वैसे तो 1 घंटा का टाइम मिलता है, तो उसी में शिव महाआरती है, तो चला जाएगा देखने के लिए। आप लोग को भी दिखाएंगे शिव गंगा का महाआरती। तो हम लोग आ गए अपने मेस, और आज अपने मेस से बना है दाल भात और भुजिया और चिप्स। तो चलिए खा के बात करते हैं आपसे खड़ा। तो मेस से खाना खा के निकल चुके हैं, और ठीक ही लगा खाना, उन्हें एकदम बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था खाना खाने में। पीछे मैटर हो गया गाइस, खैर कोई नहीं, होने दीजिए। पारिवारिक विवाद है, हमको नहीं पढ़ना चाहिए इसमें, जाके पूछें क्या हुआ क्या हुआ। बोला पारिवारिक विवाद है, सुलझा लेंगे। बोले ठीक है सुलझाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा यहीं पर। और ये अंकल अभी तक बैठे हुए हैं अपने डॉगी के साथ। हम लोग भी चलते हैं अपने रूम, चल के वहाँ आराम करते हैं भाई, क्योंकि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेरे आवाज़ से तो लग ही रहा होगा आप लोग। वैसे बज गया 3, अपने ड्यूटी जाने का समय, चलिए चलते हैं ड्यूटी। और आज शिवगंगा में वहाँ आरती भी है, तो आप लोग आरती भी दिखाते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं फटाक से तैयार होके नीचे। तो नहा धो के रेडी हो गए हम लोग, अभी उतर रहे सीढ़ी से। कुत्ता बैठा हो रहा था, पता है एकदम इतना, मतलब दुनिया में अगर किसी को हम देखें ना लेजी, तो उसी को देखे हैं भाई। अपने जगह से ना 1 इंच इधर हिलता था, ना 1 इंच उधर हिलता था, अपने जगह पर बस पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ 4-4 दिन तक। लेकिन बड़ा ही प्यारा कुत्ता था, तो देख के हमको पसंद नहीं आता था हमेशा। छोड़िए कुत्ता को, आज नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। हम लोग भी बस का इंतज़ार करते हैं, फिर चलते हैं अपने ड्यूटी पोस्ट, वहाँ करते हैं थोड़ा बहुत ड्यूटी। थोड़ा बहुत क्या, पूरा ड्यूटी करेंगे भाई अपना 4 से 12 का। आज बस नहीं आएगा गाइस, ऑटो से ही जाना पड़ेगा। गया है सब रक्षाबंधन में छूट, मस्त प्रोग्राम चल रहा है। आज यहीं पर इसी टेंट में DIG सर का ब्रीफिंग भी होगा सब फोर्स के सामने। और ये दो भैया दिखे हम लोगों को जो ऑल इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं, तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं। जो ये मतलब पूरा इंडिया घूम रहे हैं पैदल ही, इनका ये जो भैया हैं, ये इनका एक ईश्वर स्टेट है। और आपका कौन सा स्टेट है भैया ये? यह मेरा 19 स्टेट है, 19वां स्टेट है। हाँ, झारखंड। इससे पहले कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं? इससे पहले अभी हमारे सिक्किम से, और मेरा जो स्टार्टिंग स्टेट था गुजरात, गुजरात से हमने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, UP, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, फिर असम से फिर सिक्किम की होते बिहार, उसके बाद झारखंड अपना। एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं रांची, झारखंड से। रांची से? चलिए फिर आए बाबा का आशीर्वाद लेने यहाँ पर ना, बासुकीनाथ बाबा का। चलिए बहुत बढ़िया, आए हुए हैं यहाँ से। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल, कोलकाता की ओर जा रहे हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ता है कोलकाता। आपका यूट्यूब चैनल का क्या नाम है भैया? दीपक चंद्र महतो। दीपक चंद्र महतो जी। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे भैया, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है आपको। थैंक यू। अच्छे से एकदम सेफली सब जगह ट्रैवल करिए। और ये एक तरह की आप अवेयरनेस भी फैला रहे हैं ना। सही, कि मतलब पैदल भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। लोग जो सोचते हैं कि पैसा हो जाएगा, जुनून जज्बा के साथ हर वो चीज़ पॉसिबल है।
लोग सोचते हैं कि पैसा कमाएंगे, कार खरीदेंगे या महंगा महंगा बाइक खरीदेंगे तब घूमने जाएंगे, तो आप वो बता रहे हैं कि उसका कोई जरूरत नहीं है। बिना पैसे के पूरा इंडिया आप सर्वाइव कर सकते हैं। एक जीता जाता हम नमूना है, नमूना 8 महीनों से, मतलब आपने 19 स्टेट्स ट्रैवल किए 8 महीनों में बिना पैसे में। बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं खाने पीने को सर लेकर, और मंदिर गुरुद्वारा में भंडारा वगैरह चलते रहता है, और सोने के लिए अपना कैंपिंग टेंट है ये बैग में। अच्छा, तो टेंट भी लेके चलते हैं। सारा कुछ चीज़ का सोल्यूशन तो अपने पास ही है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। वो उनके साथ एक और भैया भी हैं जो ये भी ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं पैदल ही, तो आपका क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम है अरुण सिंह कुशवाहा, और एक्चुअली मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अरुण की यात्रा। अरुण की यात्रा, और पिछले 10 महीने से यात्रा कर रहे हैं, 21 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं, 21 राज्य घूम चुके हैं। 21 घूम चुके, आज हम आए हैं बासुकीनाथ। बासुकीनाथ बाबा के दर्शन, बाबा के दर्शन करेंगे, इसके बाद फिर चले जाएंगे कोलकाता। चलिए बहुत बढ़िया। तो भैया आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं उत्तर प्रदेश हरदोई। अच्छा, उत्तर प्रदेश के। चलिए बहुत बढ़िया भैया, आपको देख करके बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम आपको जैसा कि बताएंगे, हम जा रहे थे ड्यूटी, अपने पोस्ट है, मेरा ड्यूटी मंदिर में ही है। अच्छा अच्छा, तो आपको देखे तो मन गया कि आपसे बात करें, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके। तो दर्शन हो जाएंगे कि नहीं? अरे बिल्कुल हो जाएंगे, पूरा खाली है मंदिर, आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं। और ये पीछे जो भारत का झंडा है वो भी काफी प्यारा लग रहा है। इसी को तो मैं कहीं नहीं उतारता हूँ, मैं तो जम्मू कश्मीर में गया वहाँ भी नहीं उतार, वहाँ तो बोला लोगों ने गोली मार देंगे तब भी नहीं उतारा। चलिए ऐसी है, बस यही जिगरा होना चाहिए, यही जिगरा होना चाहिए। बिहार झारखंड के लोग तो कुछ अलग ही लेवल। आप कहाँ से? हम बिहार के हैं। बिहार से हैं भाई, बिहार के लोगों की बात अलग है यार। जहाँ से भी हम बिहार से निकलते थे ना, हमने छपरा से एंटर किया था, बक्सर से, बक्सर ही मेरा गाँव है। आपका गाँव वही है? अरे फिर तो आपका नंबर लेना पड़ेगा भाई। वहाँ से शुरू से लेके और जहाँ तक मैं बॉर्डर जब तक क्रॉस नहीं करी वहाँ तक मेरा जो मेरे पास से तो छोटा बैग ले लिया मैंने, मेरा बड़ा बैग था पूरा खाने का, बिस्किट तो नमकीन पता नहीं क्या क्या भरा रहता था भाई। बिहार वाले लोग बोलते ना, बिहार के लोग अच्छे नहीं होते, देखो एक मछली बोले तालाब को ना गंदा कर देती है, तो वही हाथ बिहार हर जगह का यही है। ठीक है, मैं बिहार का नहीं, लेकिन बिहार के लोग ना भाई अच्छे, इतना मैं जानता हूँ। तो जो बिना पढ़े लिखे मिलेंगे ना वो कुछ अलग होते हैं, अलग होते, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो आपके बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, और आपको हर जो आपको ये आप बिहार में, तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा, सही बता। चलिए ऐसा लगता है अपने यहाँ आ गए हूँ। चलिए हाँ, तो अपना ही तो है, यूपी से बिहार कितना दूर है। और बिहार में हम खान सर से मिलने गए थे, बस वो मिले नहीं थे। कोई बात नहीं, खान सर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो प्लीज अरुण भैया से मिल लीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए इनको। तो चलिए बहुत अच्छा लगा भैया, आपका बिहार के बारे में सोच बदला, और लोगों को भी इसी तरह बदलना है। हाँ, लोग बदलेंगे तभी तो अपना देश बदलेगा, नहीं तो राजनीति में पड़े रहेंगे, देश का बर्बाद करते रहेंगे। सही बात है, सोच ही तो बदलने हम निकले हैं, शहर नहीं तो क्या। देखिए इनके पीछे ये जो भारत का झंडा है वो कितना प्यारा लग रहा है, और कमाल का बात ये है कि दोनों भैया अपने बैग के पीछे लगाए जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो उन दोनों को मंदिर का रास्ता दिखाने के बाद और मंदिर के गेट तक छोड़ने के बाद, चलिए अब चलते हैं वापस अपने ड्यूटी पोस्ट पर, अपना भी ड्यूटी किया जाए भाई। और भीड़ कुछ नहीं है यहाँ पर, देखिए मतलब बहुत 10% दुकानदार तो कल ही दुकान बंद करके अपना चले गए, पूरा मंदिर में भी ज़्यादा भीड़ नहीं होगा। तो हम लोग आ गए अपने ड्यूटी पोस्ट पर उन दोनों को काफ़ी छोड़ने के बाद और मार्केट घूमने के बाद। आइए आपको दिखाते हैं अपने पोस्ट पर क्या हाल है। आज कहाँ बड़ा खाना है सुनने में? तो ये देखिए अपना पोस्ट हमेशा बिल्कुल खाली है, हमेशा की तरह एक भी भीड़ नहीं। कल तो थोड़ा बहुत लोग था भी, आज तो उतना भी नहीं है। चलिए चलते हैं, करते हैं अपना ड्यूटी, फिर मिलते हैं। आज यहाँ पर 6 बज गया है और मंदिर को भी बंद कर दिया है बाबा का सिंगारी पूजा के लिए। आप देख सकते हैं गेट वेट बंद हो गया है, 1 घंटा का हुआ है ब्रेक मिला है हम लोग को। चलिए 1 घंटा बाद मिलते हैं आपसे 7 बजे दूसरे टाइम पर, और इन्हीं 1 घंटे में चलिए हम लोग देखते हैं शिवगंगा का महाआरती, दिखाते हैं आप लोग को भी शिवगंगा का आरती। शिवगंगा आरती का सारा तैयारी हो गया है। ये रहा सेकेंड टाइम का भीड़ 7 बजे का, बस एक आस्था है। तो हमारे से पहले जो खाना खाने गए थे वो आ गए खाना खाकर, अब हम जा रहे हैं। और आज मंदिर में उतना भीड़ भी नहीं था, मतलब खाली ही था, गर्भगृह तो अभी पूरा खाली हो गया था एकदम, और भीड़ भी देखिए उतना है नहीं अभी,
अब हमको लगता है मार्केट बंद होने का समय हो गया, और क्योंकि मेला का लास्ट है तो लोग देर तक मार्केट में रुक गए हैं ताकि थोड़ा बार्गेनिंग कर सकें और सस्ते दामों में ले सकें चीज़ों को। इंडियन का दिमाग भी तो बहुत तेज चलता है, और हम लोग को भी ख़रीदारी करना है, लेकिन हम लोग आज नहीं करेंगे, हम लोग एक तारीख को करेंगे ताकि और सस्ते दामों में मिल सके चीज़ें। हम लोग तो उलग से ज़्यादा तेज है ना भाई। अरे कोई नहीं, चले चलते हैं, मैं खाना खाते हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं जरमुंडी थाना पानी भरने के लिए। तो अकेले नहीं है, हमारे साथ दो और हैं। बोतल दिखाओ हम ना अपना, सब और भी है पानी भरने के लिए। लगता है टेंट में पानी खत्म हो गया। अरे चलो चलते हैं साथ में जरमुंडी थाना। तो पानी वानी भर के और सब काम करके हम लोग आ गए हैं मेस, और आज अपने मेस में बना है रोटी और खीर। हर मंगलवार को यही बनता है नॉर्मल अपना। तो चलिए फटाक से खा के बात करते हैं आपसे। लाइन कटा है 5 मिनट के लिए, और देखिए सब कितना एक्साइटेड हो गया। पूजा करने जब टाइम हो गया। मंदिर बंद हो गया? मंदिर बंद है, पहले पूजा हो रहा था, नींद लग रहा है, जा रहे हैं आरती देखेंगे थोड़ा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा रेस्ट भी कर लिए और खाना भी खा लिए, हो गया रेस्ट और खाना दोनों। तो अब चलिए चलते हैं ड्यूटी पोस्ट पर, देखते हैं वहाँ का क्या हालचाल है। सुदेश तो बोला कि मंदिर बंद हो गया। ओ भाई साहब, लाइट भी कट गया, देखिए यही अभी टेंट रहता तो सब हुआ, कोई सियार, कोई शेर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली बन जाता भी हुआ करके। खैर कोई नहीं, टॉपिक चेंज, टॉपिक से भटक गए, वापस आते हैं टॉपिक पर। सुदेश बोला कि बंद हो गया मंदिर, लेकिन हमको नहीं लगता मंदिर बंद हुआ होगा, अभी सिंगारी पूजा चल रहा होगा। तो चलिए चलते हैं सिंगारी पूजा देखते हैं बाबा का। खैर लाइन तो कट गया है, और अंधेरे में थोड़ा स्ट्रगल करके, थोड़ा स्ट्रगल भी करना चाहिए आदमी को, पता नहीं हम दिख रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ के हम एक चीज़ सीखे हैं, और आज जो भैया लोग से मिले हम लोग, जो पूरा इंडिया घूम रहे थे पैदल ही, उनसे एक चीज़ सीखे कि अगर मन में विल पावर हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम ही यहाँ पर जब आए थे तो वैसे सावन एक महीना का होता है, लेकिन हम लोग को बोला गया था कि 2 महीना रहना हम लोग को यहाँ पर। तो लग रहा था कि बाप रे कैसे होगा, कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, लेकिन देखिए सब एकदम अच्छे से चला गया, और यही सावन में अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया। अच्छा ही चीज़ था वो, खैर मेरे नज़रिए से तो एक अच्छा चीज़ था। और आप आज भैया से भी मिले हम लोग जो इंडिया घूम रहे हैं पैदल ही, तो उनके मन में भी विल पावर है कि नहीं हमको पूरा इंडिया घूमना है तो घूमना है। ना वो पैसा के बारे में सोचें, ना वो गाड़ी के बारे में सोचें, ना वो अपना अनकंफर्टेबल जो उनको चीज़ सारी मिलेंगी रास्ते में वो उनके बारे में सोचें। वो एकदम आगे बढ़ते गए, मन में विल पावर बना के अपना, और बढ़ते ही चले गए। इसी चक्कर में वो 21 राज्य भी घूम लिए, और अभी वो 22वां था, और वो बोल रहे थे कि वो यहाँ के बाद से अब बंगाल जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा बात है, और ये सब सारा पॉसिबल हो पाया विल पावर की वजह से। तो मेरा ये सब बताने का सीधा सा उद्देश्य यही है कि आप लोग जहाँ पर भी हों, जो भी कर रहे हैं, करते रहिए, नो डाउट अच्छा ही कर रहे होंगे और अच्छा ही कर रहे हैं। तो बस अपने मन में विल पावर रखिए कि हमको ये करना है तो करना ही है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको रोक दे अपने लक्ष्य को पाने में, अपने सक्सेस को पाने में। तो कीप ग्राइडिंग, कीप गोइंग। खैर कोई नहीं, सब बढ़िया ही है, सब बढ़िया ही कर रहे हैं, सब अच्छा होता है। बस वही है कि बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है कभी। आप लोग से बात करते करते पहुंच गए हम अपने ड्यूटी पोस्ट पर। पूरा मंदिर तो लगभग खाली हो गया, आप रोड भी देखे होंगे, रोड भी पूरा खाली हो गया। तो मंदिर भी खाली ही है, मंदिर तो खैर 9 बजे ही बंद हो गया था, मंदिर खाली, रोड भी खाली है, अपना पोस्ट भी कुल मिलाकर खाली ही है। देखिए कुछ कुछ हैं जो सर लोग बैठे हुए हैं अभी तक, वो हम लोग के साथ ही 12 बजे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर घूमते हैं, थोड़ा बाबा को प्रणाम करते हैं। तो गाइस बज गया है 12, और आज का अपना शिफ्ट समाप्त, चलते हैं रूम। तो अब दूसरे शिफ्ट वाले आएंगे, अपने ड्यूटी पोस्ट पकड़ेंगे, ड्यूटी संभालेंगे अपना, हम लोग भी चलते हैं रूम। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपने पोस्ट का क्या हालचाल है, और प्रणाम करते हैं महादेव को, आपको भी महादेव और माँ पार्वती का दर्शन करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं। सिंगारी पूजा चल रहा है बाबा का अभी। और हमेशा की तरह अपने पोस्ट पर भी सब परफेक्ट है, देखिए बढ़िया। देखिए सब कुछ बंद हो गया है, कल तक यहाँ पर पूरा भीड़ लगा हुआ रहता था, लेकिन आज सब का सब खाली है।
हालांकि सुंदर बहुत लग रहा है रात के समय में ये जगह, लेकिन आपको दिखाना था कि देखिए लगभग सारा भीड़ खत्म है क्योंकि सावन खत्म हो गया मेन बात है। सॉरी आवाज़ के लिए थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, इसे इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो गाइस हम लोग को आज ऑटो मिला नहीं और बस वाला जैसा कि बताया था आपको सुबह में ही कि वो छुट्टी गया है, तो हम लोग को आज पैदल ही अपने रूम जाना पड़ेगा। और ये भैया लोग भी पैदल ही आ रहे हैं और देखिए दूर दूर तक कोई ऑटो का नामो निशान भी नहीं है देखिए, तो चलिए चलते हैं। मजा आ रहा है पैदल चलने में? हाँ वापस चल जाएगा क्या पूरी? तुमको मजा आ रहा है पैदल चलने में? मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है रात के 1 बजे पैदल चलने में। हाँ चलो बहुत बढ़िया भाई, अभी भी कोई ऑटो मिल जाएगा तो बैठ के चल जाएंगे यार, बहुत दूर जाना है, लगभग 3.5 किलोमीटर दूर। देखिए अब जाके हम लोग आधा रास्ता पहुंचे हैं, तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम लोग अपने रूम। और आज कुछ ज़्यादा ही दूर पड़ गया भाई ये रूम हम लोग को, खैर कोई नहीं, चलिए चलते हैं, फ्रेश होते हैं, वीडियो एडिट करके जल्दी से सोते हैं फटाक से। और आज रक्षाबंधन है तो मेरी तरफ से रक्षाबंधन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने बहनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।